हेलो फ्रेंड, कांति किचन डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ बच्चों की फेवरेट कुरकुरे की रेसिपी, और वो भी चावल के आटे से बनी नहीं, मैं अब बनाऊंगी पास्ता से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 kg पास्ता, आप चाहें कितना भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले इसे बॉयल करना होगा। मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, अब इसे मैं पानी बॉयल करने के लिए रखी हूँ। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें पास्ता डालूंगी और उसे बॉयल करूंगी। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। पानी को ढक देंगे ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। पास्ता बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। इसे मुझे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए, किसी जालीदार बर्तन में लेकर इसके पानी अच्छे से सुखाना है। मैंने यहाँ एक चलनी लिया है और पास्ते को इसमें सूखने के लिए डाल दिया है। जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पास्ता बिल्कुल सूख चुका है, इसे ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच चिली पाउडर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ऐसे हल्के हाथों से थिक कोटिंग कर लेना है। कुरकुरे खाने तो खैर सभी को पसंद है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, लेकिन जब मन होता है तो आदमी हम बाहर से जाकर नहीं खा सकते, इसलिए हम घर में भी बना के खा सकते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर घर पर बनाइए। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसे ऐड करूँगी पास्ता को। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इसे चलाते हुए और पलट पलट कर पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। एक कुरकुरे हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी और सभी इस तरह ही फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड, कुरकुरे बनकर तैयार हैं, वो भी बहुत ही झटपट और कम इंग्रेडिएंट्स में। इसलिए आपका भी जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का, आप भी घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये थोड़ा गर्म है, थोड़ी ठंडी होने पे मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि कुरकुरे तो चटपटी होती है, इसे चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें कुरकुरे को डालूंगी। आप इसकी आवाजें सुन रहे हैं, कितनी कुरकुरी बनी है। तो आपका भी जब भी मन करे तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और साथ ही काला नमक। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने
ये देखिए कुरकुरे बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे चाय के साथ या फिर जब भी मन हो आप इसे खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। आप इसे 2-3 हफ्तों तक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगी। या फिर आपका जब आप कहीं बाहर जा रहे हो पिकनिक पर या फिर लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है, तो हम इसे झटपट बना सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बनाई जा सकती है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।